आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैंने कल की खाने की तैयारी जो भी थी वो मैंने कर ली है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर लेट हो जाता है, इसलिए मैंने शाम को ही सारी तैयारियां कर ली हैं। क्लीन किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, वेजिटेबल्स भी मैंने सारी धुल ली हैं, और ये जो आप सब्जी कटी देख रहे हो ये कल मैं ब्रेकफास्ट में जो नाश्ता बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने सब्जियाँ काट के रख ली हुई हैं, और अभी मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी ताज़ा और रहेंगी ताकि। और इसके अलावा मैंने दाल बनाने के लिए जो रखी हुई लौकी काट ली है, प्याज को भी कट करके रख लिया है, मटर भी छील लिए हुए हैं। सारा काम मैं रात में करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, और ये दही भी जमा हुआ है, और इधर मैं अनन्या की बोतलें भी मैंने उबाल ली हैं, और इधर दूध भी उबल गया है, तो किचन का रात का मेरा सारा काम क्लीन हो चुका हुआ है। और अनन्या भी मेरे साथ जग रही हैं। और हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इवनिंग का ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि दिन भर काम करने के बाद रात में मैं जो वीडियो होता है उसको एडिट करती हूँ, एडिट करने के बाद मैं उसको डालती हूँ, तो उस समय टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं रात का दोबारा ब्लॉग बना के उसको भी डाल पाऊँ, शूट ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अन्य कामों के चक्कर में। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शाम का इवनिंग का ब्लॉग भी डाल सकूँ, क्योंकि 7-8 बजे के बाद का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं शूट करने में, तो उस वजह से मैं डाल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपसे ये भी है कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और अभी बहुत लेट हो गया है तो इस वजह से अब सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, और सब लोग चलिए अब सोइए, बाय बाय। और अब मिल रही हूँ मैं आज आपको अगले दिन मॉर्निंग में, और ये मैंने चने की दाल को चढ़ा दिया हुआ है, इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं जो मैं डेली डालती हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, मेरे पास सब्जी मसाला है जो वो भी डाल दिया है, और इसके अलावा इसमें लौकी, टमाटर और एक मिर्च और हींग, ये सब मैंने डालकर चढ़ा दिया हुआ है। और ये क्योंकि आज मैं चना दाल बना रही हूँ तो इस वजह से इसको मैं कुकर में ही बनाऊँगी, खुला नहीं बनाऊँगी क्योंकि चने दाल को पकने में बहुत टाइम लगता है, खुला बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और इधर मैंने वंशु के लिए जो ब्रेकफास्ट मुझे बनाना था, क्योंकि वंशु जो हैं वो डेली टिफ़िन वापस लेके आ रही हैं, सर्दियों में खाना ठंडा हो जाता है, पराठा वराठे तो वो नहीं खा रही हैं, तो मैं उनके लिए कुछ अलग नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो ये सूजी है, सूजी में मैंने दही मिला दिया हुआ है, और इसको मैं फेंट के 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, और उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी, और सर्दियाँ हो जाने की वजह से खाना बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है, और आज से बस उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो मैं नहीं चाहती कि उसको मतलब पेट खाली रहे और वो दिक्कत हो, इस वजह से मैं उसके लिए अलग नाश्ता बना रही हूँ, और पूरी कोशिश है कि अब डेली मैं उसके लिए कुछ अलग नाश्ता बना दूँ। पहली बात तो जल्दी कुछ खाती नहीं है, इसलिए बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मैं उसको बनाऊँ अच्छे, ताकि वो अच्छे से पेट भर के खा सके, जिससे बड़े हो जाते हैं तो खाते नहीं हैं आसानी से। और ये मैंने इसमें सब्जियां जो मैंने आपको दिखाई थी रात में, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब मैं डाल के मिक्स कर दूंगी, मिर्ची भी नहीं डालूंगी क्योंकि मिर्ची बच्चों को तीखी लगेगी, इसलिए मैं मिर्ची भी नहीं डाल रही हूँ, बाद में जब अपने लोगों के लिए बनाऊँगी तब डालूँगी, अभी केवल बंसी का गले बनाने जा रही हूँ तो उसमें डालूंगी। इसके अलावा मैं इसमें नमक और थोड़ा सा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो भी डालूंगी, उससे ये फ्लफी बनेंगे और अच्छे भी बन जाएंगे, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इनको अच्छे से अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छा सा टेस्ट बन लगता है। और वंशु को एक आध बार मैंने बना के दिया है तो वो उसको अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको देती हूँ ये खाने का सोडा, उसके से 2 चुटकी मैं डालूंगी। और इधर ये क्या कहते हैं, बस वो इधर उधर कर रही हुई है, और उसको फेंट के अच्छे से मैं रख दे रही हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद भी बनाऊँगी। और इधर ये बंसी का कटी फिर बन के तैयार हो गया है, और ये देखिए जल्दी है इसलिए मैं अभी सूट करके आपको नहीं दिखा पाई हूँ, और बंसी का कटी फिर हो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाए हुए हैं।
और ये देखिए, और इसके साथ मैंने इसको सॉस दे दिया हुआ है उसके लिए, बस ये तीखे नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे ही मैंने बनाए हैं ताकि टिफ़िन में आसानी से आ सके, और कलरफुल भी लग रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, तक क्योंकि सब्ज़ियाँ पड़ जाती हैं तो इसे इसे बच्चे सब्ज़ियाँ भी आसानी से खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और ये देखिए, और इधर बंसु अपना टिफ़िन लेने आई हैं, मुझे पता ही नहीं था कि बंसु टिफ़िन खोल के दे क्या देख रहे हैं कि मम्मी ने खाने में क्या दिया हुआ है, क्योंकि कैमरा ऑन था तो उसमें रिकॉर्ड हो गया कि बंसु खाने देख रही थी कि बंसु को खाने में क्या दिया गया है। अब बंसु हमेशा चेक करती रहती हैं कि बंसु को खाने में क्या दिया गया है। और अब मैं दाल चौकले दे रही हूँ, दाल में आज मैंने लहसुन और प्याज का तड़का लगाया हुआ है, और दाल मेरी थोड़ी सी थिक हो गई है क्योंकि मैंने इस चने की दाल में थोड़ी सी मूंग की दाल भी मिलाई थी ताकि ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि चने की दाल खुली खुली सी लगती है नहीं होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल भी डाली हुई थी, वो मैं आपको बताना भूल गई पहले, तो इस वजह से। और ये अच्छी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, पर मैं नहीं खा पाती ज़्यादा क्योंकि चना दाल जो होती है बहुत बादी होती है, और मेरे साथ दिक्कत है कि चना दाल खाते ही मेरे पेट में गैस बनने लगती है। और इधर मैंने ये इसमें हरा धनिया डाल दिया हुआ है क्योंकि वो सूखे टाइम पे मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला हुआ था, थोड़ा जल्दी थी और धनिया कटा हुआ नहीं था इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला हुआ था। और अब मैं जल्दी से क्या कहते हैं बाकी के जो ये मैं वंशिका और नन्हे के लिए थोड़ा सा अलग करके निकाल के रख दे रही हूँ क्योंकि ये लोग मिर्ची डाल के नहीं खाएंगे, और मैं अब इसमें मिर्ची मिलाने जा रही हूँ थोड़ा सा तो तीखा हो जाएगा, इस वजह से मैं इन लोगों का निकाल के अलग रख दे रही हूँ ताकि अगर बनाना हो तो मैं बाद में इनके लिए बना सकूँगी। और इसको भी अच्छे से मिला लूँगी, ये थोड़ा सा थिक है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। और ये इधर मैंने अपनी चटनी तैयार कर ली है, आज चटनी मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाई है, इसमें मैंने प्याज टमाटर हरा धनिया थोड़ी सी अदरक भी डाली हुई है, और उसमें टेस्ट के अनुसार नमक भी मैं डाल दूँगी। अनन्या यही खड़ी हुई हैं, वो खेल रही है, मैं वो हमेशा पूरा टाइम मेरे साथ किचन में ही रहती हैं क्योंकि उनको जो भी किचन में बनता है बस वो प्लेट लेके खड़ी रहती हैं कि मुझे जल्दी से खाने के लिए दे दो, तो वो खाने के लिए तैयार रहती हैं। और ये मेरी चटनी बन के तैयार हो चुकी है, ये देखिए चटनी, और चटनी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन बनी हुई है, बिल्कुल जैसे बाहर चटनी मिलती है आज मैंने ठीक वैसे ही चटनी बनाने की कोशिश की है, तो उसी तरह से मैंने ये चटनी बनाई हुई है। और ये मैं अनन्या के लिए पहले बनाऊँगी चिला, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी क्योंकि अनन्या परेशान हो रही हैं कि उन्हें कुछ दिया नहीं गया है, तो पहले मैं उनको दे देती हूँ फिर उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी। ये देखिए, और कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि इसमें तवे में आसानी से नहीं निकलता है, इसको मैंने एक बार पहले भी आपको ट्रिक बताई थी, अगर आप पूछेंगे तो मैं आप उनको दोबारा से बता दूँगी। और ये देखिए मेरा ये चीला भी बन के तैयार हो गया है, और ये है अनन्या की प्लेट सॉस और चीला और गाजर, गाजर मैं उसको देना नहीं चाह रही थी लेकिन वो खा रहे थे तो इसलिए मैंने रख दिया। और ये मेरा नाश्ता बनके तैयार हो गया है, देख के बताइए आपको कैसा लग रहा है। और अब आज मुझे काम करने में थोड़ा सा लेट भी हो गया क्योंकि आज ऊपर थोड़ा सा उनको जाना पड़ा था काम के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, अभी 12 बज रहा है और आज मैं 12 बजे बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि देर हो जाती है तो फिर काम करने में भी लेट हो जाता है, और अनन्या को बहुत ज़्यादा सर्दी भी है तो उन्हें भी देखना है, 3-4 दिन से उन्हें भी मैं ढंग से नहला नहीं रही हूँ सर्दी की वजह से, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है दिन में, और इसी वजह से मैं क्या कहते हैं सूट भी पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखिए मैंने सारे बर्तनों को धुल लिया हुआ है, अब इसके बाद मैं अनन्या को नहलाने के लिए जाऊंगी। बर्तन जो होते हैं मॉर्निंग के खाना इतना ढेर सारा जो होता है बनाना पड़ता है कि मतलब बर्तन काफ़ी से हो जाते हैं, और सच्ची बताऊं इससे ज़्यादा बर्तन तो रात में हो जाते हैं, जबकि मैं कभी रात में कुछ भी नहीं बनाती फिर भी बर्तन पता नहीं क्यों ढेर सारे निकल आते हैं, और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है बर्तन धुलने में, और पता नहीं सर्दियों में ठंडे पानी में हाथ डालने में भी बहुत दिक्कत होती है,
लेकिन धुलना तो है ही हो। थोड़ा सर्दी में मेरे साथ दिक्कत ये भी है कि मेरे जो हाथ के नेल्स हैं उनमें फंगस आने लगता है। सर्दियों में जैसे ही मैं ज़्यादा पानी में हाथ डालती हूँ तो साइड के ना जो नेल्स होते हैं उनके किनारे किनारे काला काला पड़ने लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी। और ये अनन्या की सर्दी दूर करने के लिए मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि सरसों के तेल में उनको गर्म कर लेना है और उसमें फिर थोड़ा सा अजवाइन मेथी और हींग डाल के गर्म कर ले के लगाना है। वैसे मैं सरसों तेल नहीं लगाती हूँ अनन्या को, लेकिन आज उसको सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है तो इसलिए मैं उसके सीने पे और पैरों में सब मालिश कर दूँगी, तो इसलिए मैं उसी के लिए उसका तेल बना रही हूँ। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें बाकी जो इतने भी मेरे मसाले हैं, खड़े मसाले होते हैं, वो मैं डाल दूँगी। मसाले ऐसे अच्छे से भून जाएंगे, अच्छे से इसमें मिल जाएंगे, इनकी गर्माहट इसमें आ जाएगी। और इसके बाद मैं इनको जलने नहीं देना है, बस इनको बस अच्छे से इसमें गर्माहट ले आना है। ये देखिए आग भी निकल आई है, मैंने इसको फूंक दिया हुआ है और गैस बंद कर दी है। हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी दूसरे बर्तन में। और ये अब मैंने हींग लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि हींग पहले डालती तो जल जाती, इसलिए हींग को मैंने बाद में डाला हुआ है। पहले मैंने मेथी और केवल अजवाइन डाली हुई थी। और अब इसको मैं छान लेती हूँ क्योंकि छान के ठंडा करना है। हल्का सा जब गर्म रहेगा गुनगुना तभी मैं इसको लगाऊंगी। तो इसको अच्छे से मैं छान लेते हैं। अब इसको और छन्नी जो भी है वो छन्नी लोहे की लेनी है, नहीं तो फिर अगर प्लास्टिक की छन्नी लेंगे तो वो गर्म छानेंगे तो क्या कहते हैं छन्नी ख़राब हो सकती है। आप ठंडा भी छान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म ही गर्म छानना है, आप ठंडा करके भी छान सकते हो। मुझे थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं गर्म ही इसमें छान ले रही हूँ, बाकी अंदर जाके टेबल पर रख दूँगी तो वो ठंडा हो जाएगा इसलिए। अब और मैं चल अंदर लेके इसको चलते हैं, पकड़ से लेके पकड़ या बोल सकते हैं या समसी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। और ये देखिए ये तेल बहुत ही मतलब मेरे यहाँ मेरी तरफ तो इस तेल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और सच्ची आपको बताऊँ तो हमारे तरफ सरसों तेल ही बच्चों को यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि अन्य को सरसों तेल सूट नहीं करता है। अब थोड़ा थोड़ा सूट करने लगा है, नहीं तो पहले इसको रेसेस हो जाते थे तो उसको सरसों तेल नहीं होता है। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, अनन्या की टीचर आ चुकी हुई हैं और वो पढ़ा रही हैं। और ये मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ मैं मिर्च, ये मैंने मिर्च निकाल के रखी हैं, सोच रहे हैं मिर्च बना लूँ क्योंकि मिर्च काफ़ी सारी हो गई हैं।